नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हम नए रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए नहीं। खराब सिस्टम, असुविधाओं के चलते लोगों के मरने के आंकड़े, कोरोना से संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इसी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए, हालात को ट्रैक पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से बैठकों का दौर शुरू किया, अधिकारियों से बात की। उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई या बनाने वाली कंपनियां जो हैं उनके मालिकों से बात की। फिर उसके बाद बारी आई मुख्यमंत्रियों की। अरविंद केजरीवाल उन मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जब वो अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने उसका लाइव प्रसारण कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में इस बात को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई लिखित और मौखिक प्रोटोकॉल है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बकायदा ये कहा गया कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में, और अभी की बात नहीं है, इससे पहले के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में भी जब जब इस तरीके की बैठक हुई है तो अपने अपने लेवल पर दोनों ने प्रेस के सामने बातें रखी है। इस तरीके का कभी लाइव प्रसारण नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दुनिया बदल रही है, प्रोटोकॉल्स बदल रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में देश को लेकर, राज्य को लेकर क्या चर्चा होती है, उसका क्या पारदर्शी तरीके से देश के सामने रखा जाना गलत है? क्या उसका लाइव प्रसारण गलत है? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर आधारित है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। हमको, हम यही चाह रहे हैं कि हमारे मरीज को भर्ती कर लिया। कोरोना से तड़पते देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इलाज और ऑक्सीजन की है। इन्हीं हालात पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बुरी तरह से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में राजनीति हो गई। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। या मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उस मीटिंग का लाइव प्रसारण कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या कहा, इसकी रिकॉर्डिंग भी कभी सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन बैठक में जब भी प्रधानमंत्री अपना बयान देते हैं तो उसका कभी कभी लाइव प्रसारण जरूर होता है। आज भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही थी, उसकी तस्वीरें जरूर आई थी, लेकिन उन तस्वीरों में आवाज नहीं थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बारी आई। एक न्यूज एजेंसी पर अरविंद केजरीवाल की बातों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात पर प्रधानमंत्री से बात करनी शुरू की। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है।
हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूँ? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूँ? अरविंद केजरीवाल ने कमोबेश यही बातें कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी, लेकिन आज जब उन्हें प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखने का मौका मिला तो उन्होंने एक बार फिर दिल्ली में ऑक्सीजन समस्या की बात उठाई। लेकिन केजरीवाल लगातार राजनीतिक बयान भी दे रहे थे और तब तक शायद बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं को ये नहीं पता था कि केजरीवाल के बयान का लाइव प्रसारण भी हो रहा है। हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। सर, कुछ ही राज्य हैं जहाँ से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उनके उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप कृपया हमारी मदद कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने लगभग 7.5 मिनट तक अपनी बात रखी और ज्यादातर शिकायतें ही की। हालांकि वो कुछ सुझाव सरकार को दे भी रहे थे, लेकिन शायद तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताया जा चुका था कि केजरीवाल के बयान का लाइव प्रसारण हो रहा है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल को टोका। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री इतना कहने के बाद चुप हो गए और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने आचरण के लिए माफी भी मांगी। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। लेकिन इतनी देर में खेल हो चुका था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि इन हाउस मीटिंग का लाइव प्रसारण किया जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री दफ्तर से एक लिखित सफाई भी आ गई, जिसमें कहा गया, आज मुख्यमंत्री के बयान को लाइव इसलिए किया गया क्योंकि कभी भी केंद्र सरकार से कोई लिखित या मौखिक निर्देश नहीं दिया गया कि इस बातचीत को लाइव नहीं किया जा सकता। ऐसे पहले भी कई बार हुआ है कि जब जनता के महत्व से जुड़े मुद्दों को लाइव प्रसारित किया गया, लेकिन फिर भी अगर कोई असुविधा हुई हो तो हमें खेद है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। उन्होंने भी कहा कि ऐसे टेलीकास्ट से बचना चाहिए था। इसके पहले ऐसा कोई ये तो था नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन यही होता है कि ऐसे बैठकों के लाइव टेलीकास्ट नहीं की जाती और इससे बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी बुरी तरह से भड़की हुई है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए विश्वास को तोड़ा है। जो इन हाउस मीटिंग होती है उसकी लाइव प्रसारण कभी नहीं होता है। हाँ, फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर होता है और जो फोटो अपॉर्चुनिटी होता है वो सर्वसम्मति से होता है कि पहला 5 मिनट या पहला 2 मिनट कैंडल लाइटिंग तक या जो 2-3 शब्द कहे जाएंगे पहले के, वो फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उनके प्रचार की भूख इतनी अधिक थी
कि किसी को नहीं कह के ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी करके चुपके चुपके अपने ऑफिस में कैमरा लगाया और ये सारा कुछ प्रसारित किया। हम अगर अपने परिवार को लेकर किसी विषय में मंथन कर रहे होते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, पत्नी कैसे ठीक हो जाएगी, ये विषय अगर हम घर के अंदर बात कर रहे होते हैं, क्या हम इसको फेसबुक लाइव करते हैं? शाम होते होते सफाई देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए और कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर गलत धारणा बनाई जा रही है। ऑक्सीजन से संबंधित जो समस्याएं या परसेप्शन देश में या दिल्ली शहर में बन रहा था या मनाया जा रहा था, उसके संदर्भ में भारत सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस कदम से असली मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। असली मुद्दा है ऑक्सीजन की सप्लाई का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऑक्सीजन की सप्लाई पर भेदभाव का आरोप लगाया है। गतकाल इंस्ट्रक्शन दिए चिट्ठी दिए सेल তারা শুধু বাংলাকে অক্সিজেন সাপ্লাই করত, বলে দিয়েছে সেল এখান থেকে চলে যাবে ইউপিকে অক্সিজেন সাপ্লাই করবে। তাহলে বাংলা কি মানে বিক্রি নাকি নাকি বাংলা মানে দুয়োরানি সুয়োরানি কে অক্সিজেন দেবে সব বিজেপি স্টেটগুলোকে, আর দুয়োরানি বাংলা ভোটের সময় বাংলার ভোট চাই, বাংলাকে দখল করতে হবে, আর অক্সিজেনের সময় বাংলা থেকে অক্সিজেন কেন টেনে নিয়ে চলে যাবে। প্রধানমন্ত্রী কি ইস মিটিং সে কুছ বাতেন ভি নিকল কর আই হ্যায়। प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यों को कहा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। राज्य सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्य के ऑक्सीजन टैंकर न रुकें। ऑक्सीजन टैंकरों के पहुंचने का समय कम करने की कोशिश हो रही है। खाली ऑक्सीजन के टैंकर एयरफोर्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। राज्य ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दें। लोगों को जागरूक करें कि वो पैनिक में खरीदारी न करें। वैसे आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच में ये बैठक हो रही थी तो इस बात को लेकर भी चर्चा हुई और ये मुद्दा भी उठा कि क्या सेना को अब आगे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, एयरफोर्स और हमारी जो सेना है वो जहां मदद हो सकती है वहां मदद कर रही है, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। वो मदद हो कैसे रही है और इन हालात में, आपदा ये भी है, इन हालात में हमारी सेना हमारे जवान मदद कैसे कर सकते हैं, आप ये रिपोर्ट से समझिए। वायुसेना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पहुंचा रही है ऑक्सीजन कंटेनर। ऑक्सीजन से भरे ट्रकों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मददगार बनी है सेना। डीआरडीओ ने कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयार कर दिए अस्पताल। जी हाँ, जितना बड़ा संकट जितनी बड़ी चुनौती, सेना उतनी ही तत्पर। देश की सेनाएं एक बार फिर से मोर्चे पर हैं, लेकिन इस बार चुनौती सरहद पार के दुश्मन से देश की रक्षा के बजाय कोरोना वायरस नाम के अदृश्य दुश्मन से देश के नागरिकों की जान बचाने की। सेना की क्षमता पर इतना भरोसा कि इस संकट काल में सब उसे ही याद कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की सप्लाई में सेना की मदद देने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है, न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना भी इसमें जुटी है। दिल्ली के पास स्थित वायुसेना के हिंडन एयरबेस से ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाए गए। वायुसेना के दो C-17 एयरक्राफ्ट ने दो खाली क्रायोजेनिक कंटेनर पहुंचाए तो वायुसेना के IL-76 विमान के जरिए एक खाली कंटेनर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंचाया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब विशाल ऑक्सीजन टैंकरों को उन जगहों पर पहुंचाया जा रहा था जहां ऑक्सीजन उपलब्ध है।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा 20 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिवों के साथ मिलकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें इस बात का फैसला लिया गया था कि सेना राज्य सरकारों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सेना के वरिष्ठ कमांडर संपर्क में रहेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना के खिलाफ सेना के संसाधन और सैनिकों का इस्तेमाल भी किया जा सके। रेलवे की गुजारिश पर सेना ने ऑक्सीजन से भरे ट्रकों को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट में मदद की है। ये 19 अप्रैल की तस्वीरें हैं जब विशाखापट्टनम से पनवेल के लिए ऑक्सीजन ट्रक पहुंचाने के लिए सेना ने अपने रोलिंग स्टॉक्स का इस्तेमाल किया। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ट्रकों को यहां से वहां पहुंचाने में ही सेना मदद नहीं कर रही। सेना कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अस्पताल भी बना रही है। कुछ अस्थायी अस्पताल तो रिकॉर्ड समय में ही बन गए हैं, जैसे अहमदाबाद का यह अस्पताल। अहमदाबाद का कोविड अस्पताल 900 बेड्स का है। लखनऊ में भी 450 बेड का अस्पताल लगभग तैयार हो चुका है। पटना में भी 500 बेड का अस्पताल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सरदार पटेल कोविड आर्मी हॉस्पिटल में बेड की संख्या दोगुना करके 500 की जा रही है, जबकि DRDO वाराणसी में 750 बेड का एक अस्पताल बना रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है ताकि भारतीय सेना के कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी न हो। जानकारी के मुताबिक इन सभी मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को भारतीय सेना के ही एक कोविड हॉस्पिटल में लगाया जाएगा और वहीं से सेना के सभी कोविड हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना के मौजूदा हालात को नेशनल इमरजेंसी कह चुके हैं। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो सेना के पास मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के ढांचे का भी इस्तेमाल हो सकता है। देश में कुल 112 मिलिट्री हॉस्पिटल है। कुल एयरफोर्स हॉस्पिटल की संख्या 12 है, जबकि नौसेना यानी नेवी के 9 अस्पताल हैं। इन सैनिक अस्पतालों में कुल 9000 बेड्स हैं और डॉक्टर्स और दूसरा स्टाफ भी लगभग 8500 का है। तो चाहे ऑक्सीजन कंटेनरों को एयरलिफ्ट करना हो या ऑक्सीजन से भरे ट्रकों को मंजिल तक पहुंचाना हो या रिकॉर्ड समय में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार करना हो, देश पर छाए इस नए संकट में सेना पूरी जी जान से जुटी हुई है। बड़े संकट से लड़ने की सेना की क्षमता को देखते हुए दुनिया के हर देश ने अपनी सेना की ओर उम्मीद से देखा है। कोरोना संकट में भी ऐसा ही हुआ है। फ्रांस ने इसी साल कोरोना के व्यापक टीकाकरण में अपनी सेना की मदद दी थी। 2020 में जर्मनी ने अपने स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए 15,000 जवानों को लगाया था। चीन ने पिछले साल कोरोना संकट और लॉकडाउन में अपने 10,000 सैनिकों की मदद की। ब्रिटेन ने 10,000 जवानों को नागरिक सेवाओं में मदद करने के लिए लगाया। देश की जनता जब जब भी बड़े संकटों में घिरी है, भारतीय सेना भी हमेशा मदद वाले अवतार में आई है। इस बार वाली चुनौती जरा अलग है, लेकिन ऐसे संकटों में ही कामयाबी के साथ अपना फर्ज निभाना भारतीय सेना को सबसे जुदा करता है। तो कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर आई है, और खबर ये है कि DCGI जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इसने वीराफिन नाम की एक दवाई है, वीराफिन, जिसको कोविड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। ये दवा जो है वो अहमदाबाद में बनाई जाती है और दवा बनाने वाली कंपनी का नाम है जायरस कैडिला। उस कंपनी का ये दावा है कि कोविड-19 के इलाज में इसका जो स्ट्राइक रेट आया है वो बहुत शानदार है, और वो स्ट्राइक रेट है 91%। यानी ये दवा कोविड-19 के पेशेंट्स पर 91% तक असरदार है। इसकी वजह है ऑक्सीजन चढ़ाने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती है। अगर आज की तारीख में आप ये तय करने लगे या मेजर करने लगे कि आपने एक दिन में सबसे ज़्यादा शब्द कौन सा सुना, देखा या कहा, तो मेरे ख्याल से वो ऑक्सीजन होगा। अगर इस देश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की गुहार के लिए कोर्ट जाना पड़े तो आप समझ लीजिए देश में ऑक्सीजन का आपातकाल है। कहां रह गई कमी, किसकी तरफ से रही, अब ये रिपोर्ट बताएगी आपको। ऑक्सीजन खत्म है, कारण ले जाइए।
मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। ऑक्सीजन खत्म है। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। किसने सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब लोग इस तरह ऑक्सीजन के लिए तड़पें। हर मिनट हर पल सांसें उखड़ने के डर में बीतेगा। एक एक सांस के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा और इन सांसों को थामने के लिए जिस प्राणवायु की जरूरत है वो घंटों के हिसाब से मिलेगी। हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल सर गंगाराम के बाहर खड़े हैं, जहां पर महज दो घंटे की, अब से सिर्फ दो घंटे की ऑक्सीजन बची है और करीब 60 कोविड के ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और वो वेंटिलेटर पर है। अगर अस्पताल में अगले दो घंटे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो यहां क्या हालात होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों का ये हाल है कि कहीं पर दो घंटे तो कहीं तीन की ऑक्सीजन बचती है। साकेत के मैक्स अस्पताल में 550 कोरोना मरीज भर्ती थे और ऑक्सीजन सिर्फ एक घंटे के लिए बची। इस आपात स्थिति में वहां ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रक पहुंचाए गए। इसी तरह गंगाराम अस्पताल ने जब ऑक्सीजन इमरजेंसी का ऐलान किया तो आनन फानन में वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाने का इंतजाम किया गया। यही वो हालात है जिनके कारण दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि चाहे भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर इंतजाम तो तब होगा जब ऑक्सीजन होगी। LNJP अस्पताल के बाहर इस प्रेग्नेंट महिला की सांस फूलती रही। वो करीब घंटे भर इसी हालत में यहाँ बैठी रही, पर अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। साथ यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि गर्भवती महिला है। सुबह से, यानी कि सुबह 6 बजे से अस्पताल द अस्पताल जा रही हैं, एडमिशन के लिए जा रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी साथ में है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रहा है। जानने की कोशिश करूँगी मैम, ना तो भूख लग रही है और सांस भी नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खांसी और बल्गम। इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अभी। यह लोगों को ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली में हो रही है चारों तरफ, और ये समस्या कब दूर होगी, कब सरकारें जागेंगी, अभी कुछ नहीं पता। लोग इस वक्त सड़कों पर परेशान हैं। सांसों का ये संकट शहर शहर में फैला हुआ है और ये संकट कितना बड़ा है इन तस्वीरों से समझ लीजिए। ठेले पर मरीज और ठेले पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर। उज्जैन में हर दिन इतने मरीज मिल रहे हैं कि एम्बुलेंस भी कम पड़ गई, इसीलिए इस महिला को इस तरह ठेले पर ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने तक सांसें चलती रहीं, इसीलिए किसी तरह एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। लेकिन एक सिलेंडर कब तक जिंदगी की उम्मीद बनेगा, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें और किसी माध्यम से हमको खबर करें, हम तत्काल उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करा देंगे। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में आधी रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई, 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस अस्पताल में करीब 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इसीलिए पुलिस ने आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है
और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है, और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों की जान गई थी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ दिया था। हालत ये है कि भोपाल और इंदौर के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया, और ये हाल तब है जब शिवराज सरकार ने पिछले साल कोरोना के वक्त ये वादा किया था कि एमपी में ऑक्सीजन संकट को दूर किया जाएगा। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में INX कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन छह महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह के इस वादे का सच ये है कि 7 महीने बाद भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए ली गई जमीन खाली पड़ी थी। सितंबर में इस प्लांट की घोषणा हुई थी, अक्टूबर में क्लियरेंस मिला और दिसंबर में भूमि पूजन हो गया। दावा था कि यहाँ हर दिन 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, लेकिन उत्पादन तो तब होगा जब प्लांट बनेगा। ऐसा नहीं है कि पिछली कोविड लहर के बाद सरकार ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं। शिवराज सरकार ने भी सोचा मगर किया नहीं, और इसका खामियाजा अब जनता भुगत रही है, और अब जनता इस तमाम खामियों के लिए सरकार को माफ करने के मूड में नहीं दिख रही। सरकारों की नाकामी का ही नतीजा है कि देश के हर राज्य में ऑक्सीजन का आपातकाल हो गया है। हालत यह है कि ऑक्सीजन के लिए CMO की परमिशन लेनी पड़ रही है। बहराइच में 13 बच्चों की जान बचाने के लिए एक डॉक्टर को CMO के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। जो अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी मैंने कहा सर आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में मुझे कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दीजिए। दो घंटे का मेरे पास में और ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिलेंडर दो लगे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे तो सारे बच्चों की बहुत बुरी समस्या हो जाएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर वो सिलेंडर आपको समय से नहीं मिला तो कितने बच्चों की जान जा सकती है? 11 बच्चे जो वेंटिलेटर पर, वो तो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी कितने बच्चे? बाकी बच्चे ओटू आर्बर पे हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन की डिफिकल्टी होगी, लेकिन उनकी उनको हम जो है क्या नाम है थोड़ा और उनको वेट कर करा सकते हैं। कोई कमी नहीं है जी, पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। मगर जो बच्चों के डॉक्टर हैं बच्चों का इलाज करेंगे, जो बड़ों के डॉक्टर हैं बड़ों के इलाज। से हम बता दिया, 2 डॉक्टरों की टीम भेज दी गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर सिलेंडर उनको दिला दिया जाएगा, मगर केवल बच्चों के डॉक्टर बच्चों का इलाज करेंगे, बड़ों का नहीं। बहरहाल वो COVID-19 मरीज भी अपने यहाँ नहीं रख। जी अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, ऑक्सीजन किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी में एक अस्पताल में कल देर रात ऑक्सीजन खत्म हो गई। उस वक्त वहाँ 25 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 9 की हालत गंभीर थी। अचानक 1 घंटे पहले मरीजों के परिजनों को बताया गया कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, इसलिए मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच गई। आपका पेशेंट कब भर्ती हुआ था यहाँ पे? तीन दिन हो गया। अभी क्या बताया ये? अभी ऑक्सीजन खत्म है, ऑक्सीजन खत्म ICU में है। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म है। इन आंसुओं के लिए जिम्मेदार वो सिस्टम है जिसके कारण देश में ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत पैदा। ऑक्सीजन को लेकर लोग किस कदर डरे हुए हैं वो इस वीडियो में देखिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक पहुंचा, वहां लूट मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए अपने अपने मरीजों के लिए सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक शख्स डॉक्टर के पैर छूकर ऑक्सीजन सिलेंडर की भीख मांग रहा है। ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची इस मारामारी की वजह क्या है? आखिर क्यों ऐसा लगने लगा है कि जैसे देश में ऑक्सीजन है ही नहीं, जबकि देश में हर दिन 7200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और करीब 55,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व में है। असली समस्या ऑक्सीजन की सप्लाई चेन है। फैक्ट्रियों से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचने की व्यवस्था से लेकर सिलेंडर की रिफिलिंग तक में जितना वक्त लगता है, वो मौजूदा हालात में लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है।
ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे उस संदर्भ में, और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम्स स्थापित किए हैं। हालांकि चूक स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर भी हुई, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त सरकार ने देश के सभी राज्यों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट लगाने का टेंडर निकाला था। इसके तहत कुल 162 पीएसए प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन साल भर बाद भी सिर्फ 33 ही लग पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब अप्रैल के अंत तक 59 और मई के आखिर तक 80 पीएसए प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में ये देरी क्यों की गई, और क्या इसी का नतीजा है कि आज देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन के लिए इस तरह की मारामारी मची हुई है। मास्टर स्ट्रोक में अब आपको मुझे इजाजत देनी होगी। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होगी।